दोस्तों, क्या आपने भी एनडीए का एग्ज़ाम दिया था और किन्हीं कारण बस फेल हो गए थे और आपकी एज लिमिट भी पार हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप इंडियन आर्म फोर्सेस में एज अ कमीशन्ड ऑफिसर सर करना चाहते हो? तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट एंट्री है CDS। ये CDS है क्या और कैसे ज्वाइन करें, कितनी एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या है और सबसे अहम बात, CDS के थ्रू ऑफिसर बनने के बाद सैलरी कितनी होगी, सारी चीज़ों को डिटेल से समझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। CDS, जिसका फुल फॉर्म है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यानी कि सम्मिलित रक्षा सेवा, यह कोई NDA जैसी एकेडमी नहीं है। यह एक एग्ज़ाम है जिसके थ्रू आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, इंडियन नेवल एकेडमी INA, एयरफोर्स एकेडमी EFA और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी OTA को ज्वाइन कर सकते हो। CDS का एग्ज़ाम UPSC द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो कि वर्ष में दो बार होता है, CDS 1 और CDS 2 के नाम से। इस एग्ज़ाम में लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिर्फ गिने चुने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। लगभग 350 स्टूडेंट्स ही अपने चुनिंदा एकेडमीज पे जाते हैं। CDS एग्ज़ाम में क्वालिफाई होने के लिए आपको मेनली दो स्टेजेस को क्लियर करना होगा, पहला रिटन टेस्ट, दूसरा इंटरव्यू जो कि SSB द्वारा लिया जाता है। इन दोनों स्टेजेस को क्लियर करने के बाद ही आप इन एकेडमीज में से किन्हीं एक एकेडमी के लिए सेलेक्ट होंगे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसमें आर्मी के कैडेट्स जाएंगे, नेवल एकेडमी, जिसमें नेवी के कैडेट्स जाएंगे, एयरफोर्स एकेडमी, जिसमें एयरफोर्स के कैडेट्स जाएंगे और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जिसमें आर्मी के ऑफिसर्स जाएंगे। दोस्तों, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए गर्ल्स अलाउड नहीं है। गर्ल्स अलाउड ओनली इन ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जबकि बॉयज़ इन चारों एकेडमीज के लिए अलाउड हैं। लेकिन दोस्तों, रिटन टेस्ट को देने से पहले आप ये जान लें कि क्या आप इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, यानी CDS की एग्ज़ाम के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए और क्या एज लिमिट होना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आप एक भारतीय होने चाहिए। नेपाल और भूटान के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। CDS एग्ज़ाम की एज लिमिट की बात करें तो इनकी एज लिमिट कुछ इस प्रकार है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 19 साल से 24 साल तक, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 19 साल से 24 साल तक, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 साल से 24 साल तक और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 19 साल से 25 साल तक। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो CDS एग्ज़ाम के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ इस प्रकार है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना जरूरी है, यानी BE या BTEC होना जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए ग्रेजुएट की डिग्री होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो। साथ ही 12th क्लास में मैथ्स और फिजिक्स होना भी कंपलसरी है। और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ग्रेजुएट की डिग्री होना जरूरी है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि CDS 2 2023 का फॉर्म आ चुका है और इसका एग्ज़ाम 3rd of September 2023 को होने वाला है, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए आप ओसवाल की बुक्स ले सकते हैं। ये जनरल नॉलेज की बुक है, ये मैथमेटिक्स की बुक है और ये इंग्लिश की बुक है। इसमें आपके प्रीवियस 11 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए 1300 क्वेश्चन मिल जाएंगे और 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। बुक्स बिल्कुल लेटेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। और एक बात, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सेट मारना आवश्यक है, इसलिए ये बुक्स आपके लिए काम की है, खासकर सेल्फ स्टडी जो करते हैं। अब बात करें मैरिटल स्टेटस की, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अनमैरिड, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भी अनमैरिड, एयरफोर्स एकेडमी के लिए मैरिड या अनमैरिड दोनों चलेगा और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए फॉर मैन मैरिड और अनमैरिड दोनों चलेगा, एंड फॉर वुमेन इट्स अनमैरिड और इशूलेस डिवोर्सी और इशूलेस विडो भी चल सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं CDS एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न के बारे में। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में जाने के लिए आपका 3 पेपर होता है, पहला इंग्लिश, दूसरा जनरल नॉलेज, तीसरा मैथमेटिक्स। इंग्लिश में आपके 120 क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज में 120 क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन होते हैं और सभी पेपर में आपका 2-2 घंटे का समय मिलता है। जबकि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में जाने के लिए आपका सिर्फ 2 पेपर होता है, पहला इंग्लिश और दूसरा जनरल नॉलेज, और दोनों में 120 क्वेश्चन होते हैं और 2-2 घंटे का समय मिलता है। बात करें इसकी मार्किंग स्कीम के बारे में, तो इंग्लिश 100 मार्क्स का होता है और 120 क्वेश्चन होते हैं,
एक सही आंसर पे 0.83 मार्क्स मिलता है और गलत होने पे 0.27 मार्क्स कटता है। जनरल नॉलेज भी 100 मार्क्स का होता है और 120 क्वेश्चन होते हैं। एक सही पे 0.83 मार्क्स और गलत होने पे 0.27 मार्क्स, सेम एज इंग्लिश। लेकिन मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का होता है। करेक्ट आंसर पे एक नंबर मिलते हैं और गलत होने पे 1/3 मार्क्स कटता है। दोस्तों, अगर हम इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो इसका सिलेबस कुछ इस प्रकार है। इंग्लिश में ये सारे चैप्टर्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीके जीएस में ये सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और मैथमेटिक्स का सिलेबस ये है। दोस्तों, आइए सीडीएस एग्ज़ाम का ओवरव्यू जान लेते हैं। तो सीडीएस 1 का नोटिफिकेशन दिसंबर माह में निकलता है और उसी दिन से फॉर्म भराना चालू हो जाता है। फॉर्म भरने के लिए आपको लगभग 20 दिन का समय मिलता है। इसका रिटर्न टेस्ट अप्रैल माह में होता है, जिसका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 2 सप्ताह पहले आता है। रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट मई के मंथ में आता है, जबकि सीडीएस 2 का नोटिफिकेशन मई के माह में आता है और उसी दिन से फॉर्म भराना भी चालू हो जाता है। फॉर्म भरने के लिए लगभग 20 से 25 दिन का समय मिलता है। इसका रिटर्न एग्ज़ाम सितंबर के माह में होता है और रिजल्ट अक्टूबर मंथ में निकलता है। दोस्तों, रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होता है एंड देन ज्वाइनिंग होती है। अब बात करें इसकी सैलरी की, तो ऑफिसर बनने के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी 56,100 रुपये से शुरू होती है और 2,50,000 रुपये तक जाती है। सो इट इज़ वेरी रॉयल जॉब। फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, इसके इंटरव्यू और मेडिकल के बारे में डिटेल से जानना है तो कमेंट कर जरूर बताएं, इस पर वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, होप आपको सीडीएस के बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।